नमस्कार साथियों, मैं दीपक आर्या इफ्को हल्द्वानी से। आज हम आ चुके हैं जनपद नैनीताल के एक क्षेत्र पड़ता है जहाँ पर कुंवरपुर क्षेत्र है, विकासखंड हल्द्वानी में। हमारे साथ किसान हैं भोपाल जी, जिनके यहाँ हम आज नैनो डीएपी का ट्रायल लगाएंगे। मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं, एक तरफ नैनो डीएपी की बोतल है और दूसरी एनपीके कंसर्टिया, जो जीवाणुयुक्त कंसर्टिया है। तो आज हम ट्रायल लगाने जाएंगे आपके यहाँ। तो सामने आप देख रहे होंगे, ये वैरायटी है जो धान की वैरायटी है 312, इसका हम जड़ उपचार करेंगे और 25 से 30 मिनट तक जड़ उपचार करने के बाद हम इसमें जड़ उपचार करेंगे 25 से 30 मिनट तक। उसके बाद हम इसको कम से कम 15 से 20 मिनट छायादार जगह में रख देंगे, उसके बाद रोपाई करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये नैनो डीएपी की बोतल है। तो सर्वप्रथम करेंगे क्या, नैनो डीएपी की बोतल को अच्छी तरीके से हम उपयोग करने से पहले हिला लेंगे। हिलाने के बाद हम इसका, जैसे कि इस टब में 10 लीटर पानी है, तो 1 लीटर पानी में ये 5 ml जाएगा। तो 10 लीटर पानी में कितना जाएगा आपका, 50 ml जाएगा। 10 लीटर पानी में 50 ml हमने इसमें छेद कर दिया बोतल में। उसके बाद हम ये जो ढक्कन आप देख रहे हैं पीले रंग का, ये 25 ml का ढक्कन है। तो टोटल हमें कितना डालना है, इसमें दो ढक्कन डालना है 10 लीटर पानी में। दो ढक्कन नैनो डीएपी हम इसमें डाल लेंगे, एक दो। दो ढक्कन डालने के बाद उसी तरीके से हमारे पास ये एनपीके जीवाणुयुक्त कंसर्टिया है, इसका भी हम दो ढक्कन 10 लीटर पानी में मिला लेंगे। और मिलाने से पहले इसको अच्छी तरीके से हम हिला लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका भी मैं दो ढक्कन पानी में घोल बना लूँगा एनपीके कंसर्टिया का, एक। इस एनपीके कंसर्टिया में पोटास सोलराइजिंग बैक्टीरिया, फॉस्फो सोलराइजिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन एजिटोबैक्टर और साथ में जिंक सोलराइजिंग बैक्टीरिया उपलब्ध है। तो इस तरीके से दो ढक्कन हमने डाल दिया और इसका घोल हम तैयार कर लेंगे। थोड़े बहुत इसको हिला लेंगे डंडे से, आप देख सकते हैं 312 जो पौधा है, ये वैरायटी, इसका जड़ हम सर्वप्रथम धोएंगे पानी में। धोने के बाद, धोना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें मिट्टी के कण है और ये जो हमने घोल बना रखा है नैनो डीएपी का, क्योंकि नैनो डीएपी माने आती है इसमें फॉस्फोरस के पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम इसे नहीं धोएंगे तो इसके पार्टिकल्स जो होंगे मिट्टी में चिपक जाएंगे और जड़ों को उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, जिस कारणवश इसका हमें भरपूर लाभ नहीं मिल पाएगा। तो जिस तरीके से जड़ धो दिया आप देख सकते हैं, इसको धोने के बाद हम इस घोल में कम से कम आधे घंटे के लिए हम इसमें डाल देंगे जड़ उपचार हेतु। इसी तरीके से हम सारे पौध धो करके, अगर आपके खेत के आसपास गुल है तो बहते हुए पानी में भी आप धो सकते हो, वो ज़्यादा आसानी होगी। और किसान भाई ज़्यादा चिंतित ना हो, आप इसका प्रयोग जो कर सकते हो शुरुआत में, जो धान का बीज आप भिगोते हो उसमें डालते हो, उसमें भी आप ये बीज उपचार कर सकते हो इसके माध्यम से। तो एक वो भी तरीका है। दूसरा तरीका यह है जड़ उपचार का धान के। तो अगर आपको इसमें ज़्यादा मेहनत दिख रही है तो मैं नहीं समझता हूँ कि इतना मेहनत है। हर किसी के खेत के आसपास गुल बहती है, तो गुल में आप आसानी से इसको रख करके भी इसका पानी, इसकी मिट्टी वॉश कर सकते हो, धो सकते हो। तो